और ख़ासकर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है, केसीआर साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपये दिए थे, जो बिल्कुल हजोज के बाजू की प्रॉपर्टी है, जो गुइसा में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्फ प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ों पे जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। जो बगल में जो बाजू आपको नॉर्थ साइड की जो बिल्डिंग है, 7 फ्लोर का जो स्लैब है जिसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर 2 सेलर और 7 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, ये देखिए 5 अक्टूबर, ये भी 8वें महीने में ही हुआ है। 5 अक्टूबर 2023 को ये GORT नंबर 108 में, जिसमें उनको इतना तक नहीं मालूम है, वो चेयरमैन कर चुके थे, 20 करोड़ रुपए बोले, वो 23 करोड़ रुपए है, वो 23 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक GORT आया। GORT का वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है, GOMS अगर होता तो 10 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब वो उनको माइंड में था, उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि सरकार हमारी वापस आ रही, 3 साल में इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाती, GORT ख़त्म हो जाता, हम हाथ उठा देंगे 23 करोड़ रुपए से। लेकिन वक्त या तो इलेक्शन 1 महीने के बाद आ रहा, हम तो अभी जियो दे देंगे करके ये क्या किए, ये अक्टूबर 2023 को 23 करोड़ का लेके आए। लेकिन और एक भी चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप कल वादा आप कल ये दावा करके गए कि अमाउंट रिलीज़ हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा। अक्टूबर 5 तारीख को जो 2023 को जो GORT नंबर 108 आया, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, बजट एलोकेशन नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दी गवर्नमेंट उसके ऊपर बजट आने का है, बजट रिलीज होने का है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको अभी भी वही बोल रहा हूँ कि BRS पार्टी को आप बौखलाहट का शिकार मत होइए, क्योंकि आवाम आपको 10 साल का आपका जो इख्तदार था उसको देख के आपको रिजेक्ट किया। से आप लोगों के जरिए मैं आवाम को कौम को, क्योंकि ये एक वाहिद हुकूमत में एक वाहिद इदारा ऐसा है जो जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, एक वाहिद इदारा ऐसा है जिसमें दुनिया में भी पूछे और आखिरत में भी पूछे, वही नीयत।